नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जितने भी नए नवेले सांसद हैं, नव निर्वाचित सांसद भी आप उनको कह सकते हैं, उन सब ने शपथ ले ली है। 24 जून को कुछ सांसदों ने शपथ ली, फिर 25 जून को शपथ ली। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि अभी 7 सांसद बचे हैं शपथ लेने से, तो शायद आपको हैरानी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सांसद शपथ नहीं ले पाए हैं, और ऐसे में जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो ये 7 सांसद वोट भी नहीं डाल पाएंगे। कौन कौन से हैं ये सांसद, ये आपको जानना चाहिए। इनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है, टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल है, दीपक अधिकारी, नूरुल इस्लाम, अफजाल अंसारी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह भी शपथ नहीं ले पाए। सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा उस दौरान वोटिंग में, क्योंकि इनके मतदान के बिना ही आगे बढ़ाया जाएगा इस कार्रवाई को। आपको बताते चलें, अमृतपाल सिंह तो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। कौन है अमृतपाल, ये भी जान लीजिए। आपको याद होगा खालिस्तानी समर्थक के तौर पर अमृतपाल का नाम बहुत जबरदस्त तरीके से आगे आया था। वो भागा भागा फिर रहा था, बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया था एक वक्त पर पंजाब में, जब पुलिस उसके पीछे और वो आगे आगे था। हालांकि उसको एक वक्त पर पकड़ लिया गया, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन पंजाब की खंडूरी सीट से उसने नामांकन भरा, और सबसे हैरानी की बात देखिए, वो चुनाव जीत गया। रासुका उस पर लगा हुआ है, यानी एनएसए उस पर लगा हुआ है, लेकिन वो चुनाव जीत गया है। शपथ लेने वो नहीं आ पाया क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर इंजीनियर राशिद की बात करें तो वो भी जेल में बंद है। बचे बाकी के 5 सांसद, जिनमें की अफजाल अंसारी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, ये भी अपने निजी कारणों की वजह से संसद में शपथ लेने के लिए नहीं आ सके। अब माना यह जा रहा है कि जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग अपनी शपथ ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले शपथ नहीं ली जाती तो ये लोकसभा स्पीकर के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। बस इसका असर इतना ही होगा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो शत्रुघ्न सिन्हा कल तक नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे थे, अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, वाराणसी से सांसद बनने के बाद उन्होंने शपथ भी ले ली है, उनके थर्ड टेन्योर शुरू होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को ये झटका लगा है कि वो शपथ नहीं ले पाए हैं। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं भी कुछ भी बोला जा सकता है, और लोग बोलते भी हैं। उसी कड़ी में ये बात हो रही है जिसका कोई सिरपैर नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। हालांकि आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शत्रुघ्न सिन्हा वक्त निकालकर संसद में आकर शपथ ले सकते हैं। टीएमसी ने आसनसोल से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, उनके सामने बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन पवन सिंह का टिकट 24 घंटे में वापस हो गया था, और वहां से बीजेपी ने फिर एसएस आलूवालिया को उतार दिया था। हालांकि एसएस आलूवालिया हार गए और टीएमसी वहां पर अपने कैंडिडेट यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बलबूते जीतने में कामयाब हुई है। बहरहाल, जो 7 सांसद हैं जो शपथ नहीं ले पाए हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। जरा बताइए इस पूरी खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं।